नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया है। नीट 2019 की काउंसलिंग स्कीम अब अवेलेबल हो गई है। इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि काउंसलिंग स्कीम क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा और कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल रखी है mcc.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग रहेगा और काउंसलिंग जो है वह ऑनलाइन है। अब काउंसलिंग स्कीम 2019 के लिए अवेलेबल हो गई है। इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग का स्टेप कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, सबमिशन ऑफ चॉइस और लॉकिंग ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस भरनी है और यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी कॉलेज चाहे चूज़ कर सकते हैं। चाहे वो 50 कॉलेज हो तो वो आप 50 कॉलेज डाल सकते हैं, चाहे 100 कॉलेज हो तो 100 कॉलेज भी आप इसमें डाल सकते हैं चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा। फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होगी। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप कॉलेज जाकर रिपोर्टिंग करनी है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि वह सीट आपको नहीं चाहिए और वह फिर कैंसिल हो जाती है। फिर आपका राउंड टू में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप राउंड वन में सीट नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड टू में आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर यहाँ पर जो चॉइस आपने राउंड वन में भरा था वह सभी कैंसिल हो जाएगा, राउंड टू में वापस नया चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो राउंड टू में कोई लिमिट नहीं है, जितने भी कॉलेज आप फिल करना चाहो उतने आप फिल कर पाओगे और आप अपने मर्जी के हिसाब से जो कॉलेज आपको पसंद है वह आप आगे प्रायोरिटी में रख सकते हो। फिर सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होगा और सेकेंड राउंड में वापस रिजल्ट आएगा। अगर आप कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज जाकर फिर से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो रिपोर्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर जो है आपका सीट फिर से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ दो ही राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, राउंड वन और राउंड टू। अगर आपका राउंड टू में सेलेक्ट नहीं होता है तो आपको स्टेट कोटा में ट्राई करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको राउंड टू में सीट अलॉट होती है और आप नहीं चाहते हो कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो तो आपका जो सीट है वह कैंसिल हो जाएगा। और साथ ही आपने जो लास्ट टाइम में 10,000 रुपीज़ का जो डिपॉजिट किया था वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपकी ये पेनल्टी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो वैकेंट सीट है वो क्या होता है, वो स्टेट कोटा को दी जाएगी। स्टेट कोटा में काउंसलिंग जो है हर स्टेट अपने हिसाब से करेगी। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के बारे में। तो उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, राउंड वन होता है और उसके बाद राउंड टू होता है। और यहाँ पर डीम यूनिवर्सिटी में मॉपअप राउंड भी होते हैं। थर्ड राउंड जो होता है मॉपअप राउंड होता है और राउंड टू में अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो राउंड टू में जो सीट अलॉट होती है तो वो आपको सीट लेनी पड़ेगी। अगर राउंड टू में आप सीट क्विट करते हो तो यहाँ पर डीम यूनिवर्सिटी में 2,00,000 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करनी पड़ेगी और वो 2,00,000 रुपीज़ आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और मॉपअप राउंड के लिए वह स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड वन और राउंड टू में। तीन राउंड होते हैं, राउंड वन, राउंड टू और मॉपअप राउंड। और सेंट्रल काउंसलिंग में 15% सीट के लिए दो ही राउंड होते हैं, राउंड वन और राउंड टू। तो ये बेसिक प्रोसीजर है जो इस साल फॉलो होंगे। तो इतनी सी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।